हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ओरियो बिस्किट का शेक लेके आई हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और ये काफी हेल्दी और टेस्टी होता है। यंग बच्चे इसे काफी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट हम बनाना शुरू करते हैं। मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। ये 10 रुपीज का एक बिस्किट आता है। तो सबसे पहले हम बिस्किट को ओपन कर लेंगे। एक प्लेट में हमने बिस्किट को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इस बिस्किट को मिक्सर जार में डाल देंगे। तो हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास चिल्ड दूध और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब। तो इसमें हम 4 आइस क्यूब डाल रहे हैं। आपको ज्यादा चीनी पीना है तो 6 आइस क्यूब डाल लीजिए। और एक बार हम फिर से इसे आराम से ब्लेंड कर लेंगे। तो अपनी शेक तैयार है। चलिए हम इसे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कांच का ग्लास ले लिया है। ग्लास को हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लेंगे। ये आपके पसंद अनुसार डेकोरेट होना चाहिए। हम तो बस ऐसे रफली इसे डेकोरेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ग्लास दिख रहा है। अब हम इसमें फटाफट अपना शेक सर्व करेंगे। ठंडा ठंडा चिल चिल। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना ओरियो शेक बनकर तैयार हुआ है। अब हम ऊपर से छोटे छोटे अपना चॉकलेट को सजा लेंगे। दिखने में बहुत ही बेटर लगता है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया ओरियो शेक बनाना कितना आसान है। ये बच्चों का बहुत ही पसंदीदा ड्रिंक्स है। फ्रेंड्स, इसे आप भी जरूर बनाइए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।